अगर आप भारत पे एप्लीकेशन के यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। कहीं एक क्लिक में आपका पैसा गायब ना हो जाए या फिर उसका कहीं मिसयूज़ ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल टेक क्रेडिट में। चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन से नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अगर अब मैं पैसा डालूँगा भारत पे में तो मेरा पैसा कहीं और चला जाएगा। तो क्या मामला है चलिए मैं आपको भी बता देता हूँ, और उससे क्या आपको नुकसान होने वाला है, क्या नुकसान हो सकता है, ये सब आपको डिटेल में मैं बता देता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो जैसे कि दोस्तों अपना भारत पे के एप्लीकेशन पे हम चलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप इंश्योरेंस करने का आपको मन है, अगर आप चाहते हो कि इंश्योरेंस इधर कर लेते हैं भारत पे का, जैसे मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इंश्योरेंस वाला ऑप्शन ओपन हो चुका है। माय पॉलिसीज में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा पॉलिसी। तो यहाँ पे देख सकते हो लाइफ इंश्योरेंस है 1 लाख का और प्रीमियम इसका 150 रुपये है। पेमेंट शेड्यूल में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो 140 रुपये आउट ऑफ 150 रुपये लिख रहा है। तो क्या माजरा है मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। एक बार फिर से अगर हम चले जाते हैं इंश्योरेंस वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे माय पॉलिसीज में अभी आप देख भी सकते हो कि ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो दोस्तों एक तो अगर आप भारत के यूजर हैं और गलती से इंश्योरेंस वाले सेक्शन पर आकर 2-3 क्लिक इधर उधर किए हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। इंश्योरेंस वाले ऑप्शन पे आए, यहाँ पे आपने अगर शॉप इंश्योरेंस सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको ओपन कर लिया और कोई यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से अगर आप प्रोसीड करते हैं और एक बार और एक्सेप्ट करते हैं, तो शायद इसी में एक ही बार प्रोसीड करने के बाद शायद अगले बार में ये आपको बाई हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या इसके प्रोसेस है ये भी आपको पता नहीं चलेगा। आप सोचेंगे कि आपने तो पैसा रखा नहीं है भारत पे में, तो हम इसे चेक कर लेते हैं कैसे ये होने वाला है। मैंने भी यही किया था, मैंने चेक करने के लिए प्रोसीड किया और वो बाई हो गया। तो इससे घाटा क्या होने वाला है दोस्तों वो भी आप जान लीजिए। मैंने अब भारत पे के जो कस्टमर केयर का नंबर है उस पर कॉल लगाया और वहाँ से मैंने बात की कि इसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो कस्टमर केयर ने मुझसे ये बात कही कि ये अब इंश्योरेंस आपका कैंसिल नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा कि आप अगर इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं तो ऐसे कैसे 1-2 क्लिक में इसको ओपन कर दिया, वो भी बिना पैसे के। तो इन्होंने कहा कि आप अगर आप पेमेंट एक्सेप्ट करोगे QR कोड से, तो वो जितना भी पेमेंट एक्सेप्ट करोगे उसमें से 150 रुपीज़ आपका उधर चला जाएगा इंश्योरेंस में। जैसे कि अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये माई पॉलिसीज़ में अगर आप पेमेंट शेड्यूल पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखोगे कि 2 बार 5-5 रुपये मैंने ट्रांजेक्शन लेने की कोशिश की और दोनों बार ये क्या हुआ कि इंश्योरेंस में चला गया, यानी ये मेरा 10 रुपये बर्बाद हो गए, मुझे मिलने वाला है नहीं। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं, इंश्योरेंस 1-2 क्लिक में ऑन हो जाता है तो उसको आप कैंसिल नहीं करा सकते हैं। पहली बात यह है, कस्टमर केयर से आप फ़ोन लगाकर भी पूछ सकते हैं। उससे घाटा क्या है, मैंने उससे पूछा कि भाई इससे घाटा क्या होने वाला है, तो उसने डायरेक्ट मुझे बताया कि इससे घाटा यही होगा कि आप अगर फिर कभी लेना चाहेंगे लोन तो उसमें आपको होगा घाटा, वहाँ पे आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। तो इसमें यही घाटा है, बाकी कुछ है नहीं। तो मैंने कहा कि मैं इससे जमा नहीं करने वाला हूँ, कोई बात नहीं है। तो कहा नहीं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आपका सिविल स्कोर पर असर पड़ेगा। तो दोस्तों आप भी ऐसा कभी गलती मत करना, इंश्योरेंस में जाके चेक करने की कोशिश मत करना कि चलो देखते हैं कौन सा इंश्योरेंस क्या है कैसे है, क्योंकि 1-2 क्लिक में ये आपका स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद अगर आप गलती से भी 5 रुपये 1 रुपये 2 रुपये जितने भी ट्रांजेक्शन लोगे, सबसे पहले तो वो आपको इंश्योरेंस की तरफ ट्रांसफ़र लेते जाएगा। यहाँ से जो आप QR कोड आपको मिलता है भारत पे का, ये अगर QR कोड से स्कैन करके कितना भी पेमेंट लोगे वो पहले आपको ले जाएगा इंश्योरेंस में। तो वैसे आपका पैसा देखते देखते फंस जाएगा और वो चला जाएगा इंश्योरेंस में पे मतलब का। तो दोस्तों आप भी सतर्क रहेंगे। अगर आप भारत पे के रेगुलर यूजर हैं तो अब मैं तो इधर पैसा डालने वाला हूँ नहीं, वैसे इंटरेस्ट अकाउंट में मैं यहाँ पर ऐड पैसा कर नहीं रहा हूँ कि कहीं इसमें से 140 रुपये वो काट ना लें। यहाँ से कर्ज तो सकते हैं लेकिन मैं चांस नहीं ले रहा हूँ कि अगर इंश्योरेंस में वो पैसा कट जाएगा, तो इसीलिए मैं अभी चांस नहीं ले रहा हूँ। उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आप भी सावधान रहिएगा भारत पे यूज करने में। आज के लिए बस इतना ही, और चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना,
वीडियो को लाइक कर लेना,